नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरों को। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, तेजस्वी ने रखी दो मांगे। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी हंगामे से भरा रहा। पक्ष विपक्ष में तीखी तकरार के बीच नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव ने 23 मार्च को विधायकों के साथ मारपीट और जातीय जनगणना को लेकर दो प्रस्ताव रखे। बिहार के 6 करोड़ बैंक खाते आज तक नहीं जुड़े हैं मोबाइल और आधार से। बिहार में 6 करोड़ बैंक खाते ऐसे हैं जो ना तो मोबाइल से जुड़े हैं और ना ही आधार से। इनमें से सामान्य खातों के साथ साथ जनधन और जीरो बैलेंस पर खोले जाने वाले खाते भी शामिल हैं। बैंकों द्वारा लगातार मैसेज भेजे जाने के बावजूद भी ये खाते मोबाइल और आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं। इस कारण नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, RTGS सहित तमाम सेवाओं का लाभ ऐसे खाताधारक नहीं उठा पा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खातों में सीधे भेजे जाने वाले लाभ से भी वे वंचित हैं। हड़प्पा मंदिर के बाद अब यूनेस्को ने धोलावीरा को दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। तेलंगाना के 13वीं सदी के रमरप्पा मंदिर को यूनेस्को की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद अब भारत की एक और सभ्यता और धरोहर यानी गुजरात में स्थित धोलावीरा को एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषित कर दिया गया है। धोलावीरा में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं जो दुनिया भर में अपनी अनूठी विरासत के तौर पर मशहूर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश के खडीर में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थान है जो लगभग 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन महानगर था। दिल्ली में भारी बारिश का असर, जल जमाव से साकेत मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली NCR में मंगलवार सुबह से हो रही भारी बारिश आफत साबित हो रही है। बारिश के कारण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन समेत शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को अपने काम पर जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जल जमाव के कारण येलो लाइन पर स्थित साकेत मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट बंद कर दिए गए। केजरीवाल का ऐलान, पद्म पुरस्कारों के लिए भेजे जाएंगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए केवल डॉक्टरों और पारा मेडिकल स्टाफ के नाम भेजेगी। इसके लिए दिल्ली वासियों से 15 अगस्त तक ईमेल के जरिए सुझाव लिए जाएंगे। कुणाल पांड्या निकले कोरोना पॉजिटिव। भारत और श्रीलंका के बीच आज होने वाले T20 मैच रद्द कर दिए गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। अगर दोनों ही टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर्स निगेटिव पाए जाते हैं तो यह मैच 28 जुलाई यानी बुधवार को खेला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से मिली ममता, राज्य का नाम बदलने पर हुई बातचीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कोरोना के मुद्दे पर उनसे बात की। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि बंगाल को दी जाने वाली वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए, हमें आबादी के हिसाब से वैक्सीन मिले। इस वीडियो में ही तक, अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।